अस्सलाम वालेकुम जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप देखने वाले खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान, अपनी पनाह में रखे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं तुर्की की अपनी व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रही हूँ जो हम लोगों ने विज़िट किया था। और उसमें आज हम लोगों का प्लान था जाने का प्रिंसेस आइलैंड, और उससे पहले रास्ते में आएगी एक हिना आइलैंड, वहाँ पर जाएंगे। और एक और आइलैंड भी है, उसमें भी आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। और यहाँ पे जब हम लोग आए, तो हम लोग सबसे पहले आए तो पूरा भी ये शिप खाली था। इसमें किसी भी टेबल पे कोई भी लोग नहीं बैठे थे, नीचे वाली साइड पे ऊपर तो लोग बैठे थे। फिर हम लोगों ने वो वाला टेबल सेलेक्ट किया जो कि स्टेज के परफॉर्मेंस के बिल्कुल सामने था, तो हमें लगा कि हम लोग परफॉर्मेंस इंजॉय करेंगे। तो जब बाद में पता चला कि तो तुर्किश सिंगर है और इसने अपनी ही ज़बान के गाने हैं, फिर स्टार्टिंग में हमें लगा कि हम तो अब बोर होंगे, लेकिन आगे आगे देखें बहुत हम लोगों ने भी इंजॉय कर लिया, क्योंकि उसने सब कंट्रीज़ के भी सॉन्ग्स प्ले किए और सबको उसने मुहातिब करके इंजॉय किया। और हम लोग पाकिस्तानी, सिर्फ हम लोग ही थे, तो जब उसे पता चला कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, फिर हमारे लिए भी उसने सॉन्ग्स प्ले किए और हमने बहुत इंजॉय किया। और ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया था, और बच्चों ने भी खूब माशाल्लाह से इंजॉय किया। और अज़ान का भी मूड चेंज हो चुका है और वो जियान को बोल रहा है बस बस कि अब हम लोग चलते हैं। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे आज। अब हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग सारा दिन इसी शिप पे रहेंगे जहाँ भी ये लोग लेके जाएं हमें आइलैंड में। और ये है ब्लू मस्जिद, जो लास्ट मैंने व्लॉग इसमें शूट किया था और मैंने अपलोड किया, ये ब्लू मस्जिद का है। और ये भी एक मस्जिद है, और आप देख सकते हैं बाकी शिप्स भी खड़े हैं जाने के लिए। और अब हम लोग ब्रिज के नीचे से गुजरेंगे। और अब हम लोगों का स्टे है हिना आइलैंड में ओनली 20 मिनट्स के लिए, तो हम लोग जहाँ भी आके पिक्चर्स वगैरह बनाई तो फिर वापस चले गए। فبدي اسمع منكم من الشوط الثاني نسمع من هون من هون اسمع سمعني
सुखे से रिश्ते दीरा दीरा गिला कासरा सुखे सुखे से रिश्ते दीरा दीरा गिला शबराज का मिलना था क्या मुरझा के यूं खिलना था क्या تصعد شوي الساعة تبع علي الساعة الثانية الكل راح نكون داخل السفينة أكرر الرجاء في أي مكان نصب به أرجو منك بالتزام بالمواعيد الأوقات اللي أعطيها اليوم تعدادكم 200 شخص فالباتو بيتحرك على الدقيقة لا حد يزعل أو يعتب بس أمي بس دقيقة هي تحرك بس دقيقتين ما في هذا بس और अब एक और आइलैंड में इन लोगों ने स्टे किया है और 30 मिनट्स का ही था तो इसमें मैं तो कोई भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो मैंने यहाँ पे और ज़ियान ने यहाँ से कुछ खाना था तो मैंने एक सैंडविच टाइप कुछ लिया और ज़ियान के लिए ब्राउनी ली और इस आइलैंड की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ ओल्ड एज के लोग ही रहते हैं जो पहले के रह चुके हैं बस वही हैं और थोड़े से घर हैं यहाँ पर और वो ही रहते हैं लेकिन जो न्यू जनरेशन है यहाँ पे वो नहीं है और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी थे लेकिन हम लोग वो चेक कर रहे थे कि जहाँ हमें चिकन वगैरह या कुछ अपने टेस्ट के लेवल का कुछ मिल जाए तो एट लास्ट एक बेकरी टाइप थी वहाँ पे कुछ मिला मुझे सैंडविच मिला और फिर हमने वही लेके खाया और हमें यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप से कुछ खाने के लिए चिप्स लेज़ वगैरह लेने थे लेज़ यहाँ पे सारे थे सारी फ्लेवर्स थे लेकिन इनके नाम चेंज थे नाम इनके टर्किश लैंग्वेज में थे जो कि गेस करके ही मैंने सॉल्ट किया
और वापस आने तक ये खाना सब सेट था, लंच मेन्यू ये था सब। बहुत ही कमाल का सीन था, जो लोग ब्रेड वगैरह ऊपर से फेंक रहे थे तो ये सब बर्ड्स उसको उठाने के लिए आ रहे थे। और ये माशाल्लाह से मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा, ये बहुत पुरसकून जगह थी जो हमने बहुत इंजॉय की। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रिंसेस आइलैंड में जहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा और क्या नहीं देखा। और अब आज का व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।